नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में और Instagram पर पूछे हैं। मैंने वही क्वेश्चंस पिक किए हैं जिनके आंसर सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना देरी करे अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो ज्योति जी ने पूछा है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 15-20 रुपए है पर प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस बिलो 300, इज इट ओके मार्जिन? आई एम होपिंग दैट आई विल गेट द ऑर्डर्स इन वॉल्यूम सो आई विल गेट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम सच 100-200 ऑर्डर्स इन फ्यूचर, इज इट ओके और आई शुड इंक्रीज मार्जिन एज कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो देयर? एम आई गोइंग राइट? प्लीज शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। सो ज्योति जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए अगर आप 300 रुपए का प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसमें 15-20 रुपए का आपको प्रॉफिट मिलता है, तो 15 रुपए में कंसिडर करके चल रहा हूं, तो 300 रुपए पे 15 रुपए हो गए 5%। तो 5% का प्रॉफिट मार्जिन ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में कम है, और खासकर तब जब आप अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर ऑनलाइन सेल कर रहे हो, क्योंकि इसमें और भी काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे स्टाफ की कॉस्ट होती है, अगर आपका कोई कस्टमर रिटर्न आ गया तो इकट्ठा 100-150 रुपए लग जाता है। तो इस वजह से हमें मिनिमम से मिनिमम 10% का मार्जिन तो रखना ही चाहिए। लेकिन हाँ, साथ ही साथ मैं आपको यह भी रिकमेंड करता हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप 50 प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, तो 50 प्रोडक्ट में 5-10 प्रोडक्ट अपनी इन्वेंटरी में आपको ऐसे भी रखने हैं जिसको आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पर या फिर बहुत ही मिनिमल मार्जिन पर सेल करना है, क्योंकि मैं भी अपने साथ ऐसे करता हूं और इससे मैंने देखा है काफी बेनिफिट होता है। देखिए 5-10 प्रोडक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर मिनिमल मार्जिन पर सेल करने से होता क्या है कि उनकी सेल ज्यादा आती है। अब भले ही हमें उन पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन एक टर्नओवर बना रहता है और कैश फ्लो भी बना रहता है। लेकिन हम जो बाकी 40 प्रोडक्ट है, जब भी उनके ऑर्डर आते हैं तो उसमें हमें अच्छा खासा यानी कि 10-15% का प्रॉफिट अर्न होता है, और उसमें आप चाहो तो 15-20% तक का भी प्रॉफिट ले जा सकते हो। तो इसलिए अगर आप बोल रहे हो जैसे 300 पे 15-20 रुपए का प्रॉफिट, तो अगर आप सभी प्रोडक्ट पर 5-6% का प्रॉफिट ही लेकर चल रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपने 5-6 प्रोडक्ट या फिर 10-12 प्रोडक्ट पर ही ऐसा कर रहे हो और बाकी आपके सभी प्रोडक्ट पर आपने एक डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि 10-15% का आपने मार्जिन ले रखा है, तो वो बहुत ही बढ़िया है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो राहुल मेहरा जी ने पूछा है, सर फ्लिपकार्ट पेमेंट का इशू हो रहा है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट में पैसे ऐड ही नहीं हो रहे, 30,000-40,000 का डिफरेंस है और सेलर सपोर्ट वाले ऑर्डर आईडी मांग रहे हैं, ये मेरे साथ 3-4 बार हो चुका है, प्लीज हेल्प मी सर, क्या करूं मैं? सो राहुल जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं पहले भी एड्रेस कर चुका हूं और मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए फ्लिपकार्ट में जब आप अपनी आउटस्टैंडिंग पेमेंट देखते हो, तो कभी कभी वहां पर पेमेंट टाइमली अपडेट नहीं होती है। मैंने और भी सेलर्स के साथ देखा है और मैंने खुद के साथ भी ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी हमारा पेमेंट काफी हो जाता है, लेकिन तब भी वहां पर आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है वो अपडेट नहीं होती है, और इसको लेकर सेलर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि फ्लिपकार्ट अल्टीमेटली पेमेंट तो देता ही है, ऐसा नहीं है, और अगर फ्लिपकार्ट पेमेंट नहीं दे रहा होता तो फिर इतने सारे सेलर उसके साथ नहीं बने होते। तो पेमेंट तो मिल जाता है, तो आपको पेमेंट को लेकर घबराना नहीं है, लेकिन आपको टाइमली पेमेंट रिकंसिलेशन करना है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि जब आप सेलर सपोर्ट में टिकट रेज करते हो तो वो लोग ऑर्डर आईडी मांग रहे हैं, लेकिन शायद आप ऑर्डर आईडी नहीं दे पा रहे, तो क्यों नहीं दे पा रहे? इसका मेन रीजन है कि आप पेमेंट रिकंसिलेशन नहीं करते। अगर आप पेमेंट रिकंसिलेशन करोगे तो आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर पता चल पाएगा कि आपको कितना पेमेंट मिला है, और आप बैंक में भी अपने चेक कर सकते हो कि उतना ही सेटलमेंट अमाउंट भी आपको अपने बैंक में मिला होगा, और जिस ऑर्डर आईडी का आपको पेमेंट नहीं मिला है फिर आप टिकट रेस कर सकते हो कि उसका पेमेंट नहीं मिला है। लेकिन आपको आउटस्टैंडिंग पेमेंट देख के घबराना नहीं है कि पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, तो वो तो हो सकता है, देखिए टेक्निकल एरर हो सकता है कि कभी कभी लेट पेमेंट अपडेट होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है कि फ्लिपकार्ट पेमेंट ही नहीं दे रहा, फ्लिपकार्ट पेमेंट दे देता है। तो राहुल जी इसलिए अगर आपने अभी तक मेरी पेमेंट रिकंसिलेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, फ्लिपकार्ट पेमेंट रिकंसिलेशन वाली वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, और मंथली बेसिस पर अपने ऑर्डर्स का भी पेमेंट रिकंसिलेशन कीजिएगा, और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट ने आपको किसी ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट नहीं दिया है, तो आप टिकट रेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट आपको उसका पेमेंट जरूर दे देगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप पेमेंट रिकंसिलेशन करोगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि वो आपके एंड से ही मिस्टेक थी और फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी आपको पेमेंट दे दिया है। तीसरा क्वेश्चन जो हिमांशु ठाकुर जी ने पूछा है, सर मैं ऑफलाइन माल परचेज करता हूं, जीएसटी नंबर पे नहीं लिया, डायरेक्ट पैसे देकर तो मुझे दिक्कत आ रही है, मैं अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करूं? आपकी वीडियो भी देख ली जीएसटी वाली, फिर भी नहीं समझ आ रहा, प्लीज सर रिप्लाई क्या करना है,
जीएसटी रिटर्न में कैसे करना है जीएसटी रिटर्न। सो हिमांशु जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोल रहे हो कि आप ऑफलाइन मटेरियल परचेज करते हो, तो मेरे को लगता है आप ये कहना चाहते हो कि आप अपने जीएसटी नंबर पर मटेरियल परचेज नहीं करते हो। सो हिमांशु जी, आप ऐसा क्यों करते हो? देखिए, आपको तो जो भी आप मटेरियल परचेज कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे तो जीएसटी चार्ज करनी ही होती है कस्टमर से। तो उस केस में अगर आप बिना बिल के मटेरियल परचेज कर रहे हो तो इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। आपको जो नेट जीएसटी जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जो भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, आप बिल से ही परचेस करें। और दूसरा, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जैसे आप बोल रहे हो कि जीएसटी फाइल कैसे करनी है, तो देखिए जीएसटीआर 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 में हमारी सारी सेल का डेटा जाता है। तो सेल तो आपकी जो होगी फ्लिपकार्ट अमेजन या किसी और मार्केट प्लेस पर, वही आपको शो करनी है। रही बात जहां जब जीएसटीआर 3B आप फाइल करते हो, तो उसमें आईटीसी बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। जब आप रजिस्टर्ड वेंडर से परचेस करते हो और आपको जीएसटी टैक्स इनवॉइस मिलता है, आप उसमें जीएसटी का क्रेडिट ले सकते हो, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफलाइन बिना बिल के परचेस कर रहे हो तो आपको वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जो है रजिस्टर्ड वेंडर से ही परचेस करना चाहिए और जीएसटी फाइलिंग में इसमें कोई इशू नहीं आएगा, बस आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन जो सना सैफी जी ने पूछा है, सर एक क्वेश्चन है, मैंने कैंपेन क्रिएट किया है, आज 3 दिन हो गए बट क्लिक बढ़ नहीं रहे हैं और अमाउंट बढ़ रहा है बट एक भी ऑर्डर नहीं है, क्या करूं, प्लीज हेल्प मी सर। सो सना जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए ये भी काफी सेलर के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो कैंपेन में मनी स्पेंड करते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आते। अब ऑब्वियसली आप कैंपेन में आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, पैसा खर्च हो रहा है आपका डे बाय डे, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे, तो वो लगता है वो पैसा पूरा वेस्ट चला गया। देखिए इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूं कि जब आप कैंपेन रन करते हैं ना, तो आपको टाइमली उसे ऑप्टिमाइज करना होता है। अब आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं आपने 3 दिन कैंपेन रन किया, तो आपको 3 दिन कैंपेन रन करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी और रिपोर्ट में चेक करना पड़ेगा। वैसे 3 दिन का तो बहुत ही कम समय है, लेकिन मिनिमम आपको 1 हफ्ते की रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 हफ्ते में ही प्रॉपर एनालिसिस हो पाएगा। तो 1 हफ्ते की आप रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए और आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स पर आपका प्रोडक्ट आप नहीं चाहते दिखे। जैसे अगर आप टी-शर्ट का बिजनेस करते हैं और आपने उसी के लिए कैंपेन रन किया है, अब अगर कोई अमेज़न पर जाकर शर्ट सर्च करता है और तब भी आपकी टी-शर्ट दिख रही है, तो ऑब्वियसली वो टी-शर्ट परचेस नहीं करेगा, तो शर्ट आपके लिए नेगेटिव कीवर्ड हो गया। तो आप नेगेटिव कीवर्ड में उसे ऐड कर दोगे तो आपका जो कैंपेन है वो और ऑप्टिमाइज हो जाएगा और शर्ट पे जो है आपकी टी-शर्ट नहीं दिखेगी। तो इस तरीके से आपको कैंपेन ऑप्टिमाइज करना होता है, जिससे कि आपको कैंपेन पर रिटर्न मिलने लग जाए और आपके ऑर्डर्स बढ़ने लग जाए कैंपेन जब आप रन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिमांशु ठाकुर जी ने पूछा है, सर कौन कौन से टॉपिक है कंप्यूटर में जो हमें आने चाहिए ऑनलाइन सेलिंग के लिए, प्लीज रिप्लाई। सो हिमांशु जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे और भी काफी सारे सेलर ने पूछा है कि हम ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हमें कोई टॉपिक है जो आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, गूगल क्रोम या फिर मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर पर सर्फिंग करना आना चाहिए, और इसके साथ ही साथ अगर आपको थोड़ी बहुत एमएस एक्सेल की नॉलेज होगी तो आपके लिए डेटा मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी आप जब आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करोगे तो अपने आप ही सीख जाओगे, और थोड़े बहुत एमएस एक्सेल के फॉर्मुलेज हैं, अगर आपको वो भी आते होंगे तो मैं वही बोल रहा हूं, डेटा थोड़ा मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है। बाकी मैंने भी कुछ फॉर्मुले सिखा रखे हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप ऑनलाइन सेलिंग नहीं कर पाओगे। नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आता होगा तो आप ऑनलाइन सेलिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंस्टाग्राम पर मुझे तरुण कोहली जी ने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, फ्लिपकार्ट में रीजनल यूटिलाइजेशन कैसे इंक्रीज करें, मेरा आरयू 16.8 है, गोल्ड सेलर में मूव होने के लिए आरयू 30 रिक्वायर्ड है, मेरे अदर मैट्रिक्स सही हैं बस आरयू कम है, सर सजेशंस जरूर दें, मैं आरयू को कैसे इंक्रीज करूं। सो तरुण जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है जो कि फ्लिपकार्ट सेलर के साथ आजकल चल रही है, कि जब वो टियरिंग चेंज होता है तो देखते हैं कि बाकी सब मैट्रिक्स तो उन्होंने अचीव कर लिए लेकिन आरयू जो है उनका अचीव नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स देखिए, आरयू ऐसी चीज है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी अकाउंट मैनेजर अगर आपको असाइन होगा, उनसे पूछोगे कि हम आरयू कैसे बढ़ाएं, तो वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप नॉर्थ में रहते हैं और फ्लिपकार्ट वेयरहाउस साउथ में है, तो आप अपने प्रोडक्ट को साउथ में भेज दोगे तो वहां से अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करेगा तो ऑब्वियसली उसको वो जल्दी डिलीवर हो जाएगा। जैसे अगर आप नॉर्थ में अभी बैठे हैं और कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहा होगा, तो
डिलीवरी टाइम जो है 4 से 5 दिन बाद का उसे दिखा रहा होगा डिलीवरी डेट, लेकिन वहीं वो साउथ के वेयर हाउस में होगा तो डिलीवरी डेट नेक्स्ट डे की या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की भी हो सकती है। तो कस्टमर ऑर्डर कर देता है, हो सकता है वो आपको ना करे, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साउथ में भेज दें वेयर हाउस में तो वहां पर ऑर्डर कर दे, तो इस वजह से थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है और आरयू भरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं कि आप जो नेशनल डिलीवरी चार्ज और जोनल डिलीवरी चार्ज है उसे जीरो कर दीजिए अगर आपके प्रोडक्ट में मार्जिन है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट पर SLA लेते हैं तो वो भी उसे आप जीरो कर दीजिए, मतलब आप एक्सप्रेस डिलीवरी कर दीजिए। कुल मिलाकर प्रोडक्ट कस्टमर तक जल्दी पहुंचना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचना चाहिए, तो इससे जो दूसरे जोन के कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, इससे रीजनल यूटिलाइजेशन जो है 30% होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, जब किसी भी कैटेगरी में न्यू सेलर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या उसे शुरुआत में ही ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करना होता है या पहले वो देखें कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और जब उसकी सेल होने लगती है तब उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराएं तो अच्छा होगा। तो देखिए मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है ऑनलाइन सेलिंग में, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम में ऑनलाइन सेलिंग में सस्टेन करना है, अगर आपको अपने ब्रांड को बनाना है, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, और अमेजन में तो ये बहुत ही जरूरी है। इसका रीजन ये है कि एक तो आप मैपिंग से भी बच जाते हो, दूसरा मैंने देखा है कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है अगर आपके पास कोई रजिस्टर्ड ब्रांड होगा। अब देखिए आप जैसे इधर पूछ रहे हैं कि पहले हम देखिए अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट में बिजनेस करते हैं, अगर आपको पता है कि आपको वही प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना है, आप उस केस में तो फर्स्ट डे से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने तो लग जाते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर होते होते अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो। लेकिन अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस पर चेक करना चाहते हैं तो उस केस में आप पहले चेक कर लीजिए और फिर आपको लगे कि इस प्रोडक्ट को हमें आपको आगे कंटिन्यू करना है या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट को ही आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि उसी में आपको सेल अच्छी आ रही है, तो फिर आप उसके लिए ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चंस मुझे आज के वीडियोस में कवर करने थे, और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम यूजर हैंडल है @eSellingGyan, वहां पर मैं सभी यूजर्स के क्वेश्चंस के जवाब जरूर देता हूं, 1:1 आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपकी ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड क्वेरी हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो मुझे आप यहां पर यूट्यूब कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आज जो मैंने क्वेश्चंस पिक किए थे उसके आंसर आपके लिए भी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।